घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, आपका भी बच्चा क्या तुतलाता है? तो एक बार जरूर अपनाएं ये ट्रिक। जी हाँ, ऐसी कौन सी ट्रिक है जो जिसको अपनाने से आपका बच्चे का तुतलाना सही हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहें। बच्चों का तुतलाना किसी किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह भी सच है कि एक उम्र के बाद बच्चों का तुतलाना माता पिता के लिए परेशान कर देता है। अमूमन बच्चों को 2 साल की उम्र में तुतलाते बोलना सीखते हैं और 4 से 5 साल की उम्र तक आते आते सार शब्द स्पष्ट बोलने लगते हैं। लेकिन अगर इस समय तक वे ऐसा न करें तो यह चिंता का विषय हो सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस आदत को छोड़ नहीं पाते और बड़े होने तक पर भी तुतलाते ही रहते हैं। ऐसे बच्चों को घर और समाज में कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, स्कूल में दूसरे सिपाहियों के सामने और दूसरे सहपाठियों के सामने और कॉलेज में दोस्तों के साथ। पर सबसे बड़ा नुकसान करियर में उठाना पड़ता है, जहां कई इंटरव्यू में ये आदत कमी के रूप में देखी जाती है। ऐसे में अगर आपके बच्चे को भी ये परेशानी है तो अभी से उस पर ध्यान दें। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें, इसके बाद ही इन घरेलू उपायों को आजमाएं, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। बच्चे को हरा आंवला चबाने के लिए दें। आंवले के सेवन से आवाज़ साफ होती है। बादाम के 7 टुकड़े और उतनी ही मात्रा में काली मिर्च को पीस कर चटनी जैसा पेस्ट बना तैयार कर लें। इसमें शहद मिलाकर बच्चे को चाटने के लिए दें। काली मिर्च चूसना भी बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है, तो ऐसा देसी नुस्खा अपनाकर या ऐसे घरेलू उपाय अपनाकर फ़ायदा ज़रूर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना या पूछना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।